धीरे धीरे। ये देखिए छुपता हुआ, एक हाथी नहीं है, बहुत सारे हाथी हैं। ये देखिए पूरा झुंड हाथियों का, इतना बड़ा झुंड। ओ माय गॉड। गुड मॉर्निंग दोस्तों, देखिए आज कितनी प्यारी प्यारी सुबह है। ये देखिए कितने सुंदर नज़ारे, मोर के लिए कितने मोर हैं यहाँ पे। ये देखिए सिर्फ मोर ही मोर है चारों तरफ। देखिए कितने सारे मोर हैं, छोटे बड़े सारे मोर ही मोर। देखिए कितने आराम से बैठे हैं, ये बिल्कुल ऐरावत के साथ वाले लॉन में। और ये नज़ारा देखिए कितना सुंदर है। मौसम बहुत ठंडा, ये सारे पहाड़ हैं और ये जो आपको जंगल से आते हुए दिख रहे हैं ये बादल हैं सारे। अब देखिए मोर कितने आराम से बैठे हैं यहाँ पे। रात में बहुत सारे कॉलिंग की आवाज़ आ रही थी। वो देखिए बादल कैसे आ रहा है यहाँ से। ये जो आप देख रहे हैं ये बादल है जंगल के अंदर से। ये देखिए जंगल के अंदर से आ रहा है ये। क्या सुंदर नज़ारे हैं इन वादियों के, मोर ही मोर चारों तरफ, कितने सारे मोर। वहाँ भी पत्थर के पीछे भी यहाँ पे मोर हैं बहुत सारे। दोस्तों आज मौसम देखिए कैसा हो रहा है यहाँ पे। आज तो कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था और कॉलिंग भी ज़बरदस्त चल रही है। ये देखिए ये जो आप मेरी वीडियो में हमेशा देखते हैं कि यहाँ पे पहाड़ दिखते हैं सारे, यहाँ से लेके पूरे ऊंचे ऊंचे पहाड़, आज कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये चारों तरफ सिर्फ फॉग ही फॉग है, या क्लाउड्स कह सकते हैं क्योंकि बारिश भी हो रही है लगातार। और मुझे अभी एक मेरे जो दोस्त हैं जिप्सी ऑपरेटर हैं, उनका कॉल आया है कि हमारी वाली रोड पे जो सीतापानी वाली रोड है इसके ऊपर हाथियों का एक ग्रुप आया हुआ है और बहुत सारी जो गाड़ियां जो गाँव को जाती हैं उनको वो नज़र आए हैं रोड पे भी, और जो बस वाले हैं उनको भी वो ग्रुप जो ग्रासलैंड है सीतापनी का उसके आसपास दिखा है और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। मतलब पहले नीचे दिखा था, टेडा गेट के थोड़ा सा ऊपर दिखा था, उसके बाद उसके आगे एक रपटा आता है वहाँ दिखा, फिर उसके बाद वो अभी कुछ दिन पहले एक या दो दिन पहले ग्रासलैंड के पास दिखा बहुत सारे लोगों को, जो टूरिस्ट भी जा रहे थे उनको भी दिखा। और अब वो जो ग्रुप है पूरा हर्ड है हाथियों का, वो अब जो जिप्सी वाले मेरे फ्रेंड हैं वो बता रहे हैं कि और ऊपर को जो एक जगह है, बिल्कुल मेरी प्रॉपर्टी जो है इससे करीब करीब 3-4 किलोमीटर होगा, वहाँ पे उन लोगों को नज़र आया है। और कुछ बिजली की तारे वारे जो जा रही थी वो भी उन्होंने तोड़ दी है। तो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ज़्यादातर हमारे एरिए के अंदर यहाँ पर बहुत अच्छी मूवमेंट होती है। लास्ट ईयर भी यहाँ पे रिपोर्ट हुआ था कि यहाँ पे हाथी घूम रहे हैं, तो देखेंगे नाइट ड्राइव में भी कोशिश करेंगे कि हमें हाथियों का वो झुंड दिखे, क्योंकि मुझे एलिफेंट डंग तो दिखी है जगह जगह रोड पे, लेकिन वो हाथी मुझे नहीं दिखे हैं। तो कोशिश करते हैं आज रात को
आज जरा देखें हमारे एरावत इतने सारे आ रखे हैं एरावत में, एरावत के आसपास वाजन को ढूंढेंगे आप। ये देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं, घने कोहरे में ढकी ये वादियाँ। यहाँ का एक अलग ही मज़ा है, मतलब क्या बताऊँ आपको, शब्द नहीं है अपने पास इस चीज़ के लिए। शायद स्वर्ग ऐसा ही होता होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, जब ये बादल पूरे आ जाते हैं लॉन में पूरे, तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए के बाद अब हम लोग पहुंच गए हैं द एरावत फॉरेस्ट कॉटेज सीतावनी में। ये देखिए दोस्तों, अभी हम लोग छत पे ही खड़े हैं और फर्स्ट फ्लोर में खड़े हैं, एक्चुअली ऊपर वाली टेरेस पे भी नहीं गए हैं। और इस जो ये आपको ब्लू बुल दिख रहा है, इसके पीछे टाइगर या लेपर्ड है, क्योंकि ये हमारी आवाज़ सुनने के बाद भी नहीं भाग रहा है और हमारी लाइट के आसपास आ रहा है। इसका मतलब इसने सेंस कर लिया है कि इसके पीछे कोई कार्निवोर्स है, या तो लेपर्ड है या टाइगर है। और ये हमारी आवाज़ सुनने के बाद भी नहीं भाग रहा है, उल्टा और हमारे पास आ गया है। ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल जंगल में नहीं जा रहा है, एक एक स्टेप ये बहुत सोच समझ के ले रहा है। तो ये वाइल्ड लाइफ आपको यहाँ एरावत में आराम से, जब रात को कभी आप बैठते हैं, खासकर मानसून में, जो मैंने आप लोग को इतनी बार बताया है कि मानसून में बहुत अच्छी साइटिंग होती है। तो ये है आपके सामने एरावत की टेरेस पे बैठ के खाना खाते हुए आराम से आप वाइल्ड लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों कितने सारे स्पॉटेड डियर हैं यहाँ पे, और सारे के सारे सतर्क हैं, बहुत ज्यादा सतर्क हैं। इधर देख रहे हैं, ये देखिए कितने सारे हैं, ये देखिए कितने सारे स्पॉटेड डियर हैं यहाँ पे, और ये सारे सतर्क हैं और देख रहे हैं। ये देखिए किधर को देख रहे हैं, लेफ्ट साइड को देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ग्रुप बहुत ज़्यादा सतर्क है इस टाइम पे। तो ये देखिए कितने सतर्क हैं, ये सब इधर देख रहे हैं, ये मेरी तरफ आ रहा है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं
कैसे ये बहुत ज़्यादा सतर्क होकर मेरी तरफ मुझसे दूर नहीं भाग रहा है, और ये अकेला नहीं है, बहुत सारे हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए कितने सारे हैं, और सारे जंगल से कॉटेज की तरफ आ रहे हैं मेरे, एरावत की तरफ। ये एक ये बिल्कुल मेरे पास आ गया, ये देखिए है ना, ये पूरा सतर्क बहुत ज़्यादा, ये इतनी पास है मेरे, मुझे लग रहा है इसके ऊपर ही ये होगा तो हमला इसके ऊपर ही करेगा ये। कुछ तो बात है, कहीं ना कहीं लेपर्ड या टाइगर, आजकल टाइगर के मूवमेंट बहुत ज़्यादा है मेरे कॉटेज के पास। ये देखिए कुछ आवाज़ सी भी आ रही है जंगल में से, ये जंगल की तरफ जा भी नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा ये डरा हुआ है। बैकग्राउंड में यहाँ पे मैंने क्रिकेट का ये नेट लगा रखा है, एंड जस्ट उसके साथ में देखिए कितने सारे स्पॉटेड डियर हैं, कितनी पास में, क्या एक्टिविटीज़ चलती हैं रात को मॉनसून में, कितना बड़ा ये हर्ड है। ये देखिए बाकी का ग्रुप यहाँ पे, ये बहुत वाइल्ड लाइफ दिखती है मॉनसून में, बहुत ज़्यादा। ये मेरी सेंसर लाइट है ये वाली, ये बार बार ब्लिंक हो रही थी। ये देखिए बैठ गए, देखिए यहाँ पे कितने आराम से बैठे हैं ना, ये आगे वाला देखिए कितने सब बैठने लगे हैं, ये भी बैठेंगे सारे। क्या मस्त वाइल्ड लाइफ है, मज़ा आ गया। ये देखिए ये बच्चे के साथ, ये देखिए कभी हाथी, कभी डियर, कभी लेपर्ड, कभी टाइगर, और ये बिल्कुल पास में ही मेरी जो टेरेस है इससे बिल्कुल पास में हो रहा है ये सब, बहुत पास में। ये देखिए, ये देखिए आज यहाँ पे क्या आया है, आज रात के टाइम पे यहाँ पे ये जैकल घूम रहा है, कुत्ते के पीछे है शायद। ये देखिए ये जैकल है, और इसके ऊपर जो टॉर्च लगा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये गांव वाले हैं, टॉर्च मार रहे हैं क्योंकि ये जो जैकल है ये इनके डॉग के पीछे है बहुत देर से, और दिल भी मेरी तरफ भी देख रहा है, मेरी आवाज़ सुन रहा है, और उनके घर में भी देख रहा है। ये देखिए क्या एक्टिविटीज चल रही है, इन्होंने उसको देख लिया है ये, और ये उनकी तरफ ही आ रहा है। ये देखिए भागा, ये भागा, ये गांव वाले कैसे अपने डॉग्स को और अपनी बकरियों को कैसे बचाते हैं इन सब चीज़ों से। ये देखिए आज कितनी एक्टिविटीज चल रही है मेरे कॉटेज के पास, मैं अभी दा अरावत के टेरेस पे हूँ, और ये देखिए ये आया है उनके डॉग के पीछे, अब ये आ रहा है मेरे कॉटेज के पास। ये देखिए कितना चालाक है, ये ईंटों के पीछे बचता हुआ, ये देखिए इसको पता लग गया है कि वो लोग अब यहाँ तक टॉर्च नहीं मार सकते हैं। ये देखिए छुप छुप के देख रहा है, कितने चालाक होते हैं जानवर। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये उसी कुत्ते के पीछे है, और उनको जिनका डॉग है उनको पता चल गया है ये जैकल उनके कुत्ते के पीछे है, इसलिए वो ये देखिए कहाँ तक आए हैं, ये यहाँ तक आ गए हैं, वो उसको ढूंढ रहे हैं अभी भगाने के लिए, अपने डॉग को बचाने के लिए। तो जो विलेजेस होते हैं आसपास में जंगल के, वहाँ ऐसी एक्टिविटीज़ चलती हैं जो अभी आप देख रहे हैं, हाथी हैं, स्पॉटेड डियर हैं, लेपर्ड है, जैकल है। ये देखिए कितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं द एरावत के आसपास। ये देखिए ये अब मेरे कॉटेज के पास आ रहा है, ये अभी हम लोग घूम कर आए हैं, और हमने सबसे पहले अभी
इतना चक्कर मारे जंगल में तो हमें कुछ भी नहीं दिखा। गए हम हाथी के लिए थे, हमें हाथी भी नहीं दिखा जंगल में। अब हम पूरा जंगल घूमने के बाद हम यहाँ पे आके खड़े हैं कि कुछ दिख जाए। हमें स्पॉटेड डियर दिखे हैं अभी, उससे पहले हमें ब्लू बुल दिखा, और अब थोड़ा मौसम बिगड़ रहा है तो आपके सामने है, ये देखिए जैकल, कैसे हम उसको ढूंढ रहे हैं, हमारे कॉटेज के बिल्कुल पास में है। देखते हैं अभी यार रात को आज आगे क्या। देखिए दोस्तों अब ये देखिए जाएगा वहीं, ये आज इनके डॉग को नहीं छोड़ने वाला है। ये जंप, ये देखिए ये मेरे कॉटेज का बैक पोर्शन है, ये देखिए यहाँ पर गया है, और इधर डियर्स भी हैं। अब डियर्स की अलार्म कॉल शुरू हो सकती है, हम उसी का वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए अभी मैं छत पे हूँ और एरावत के जस्ट साथ में यहाँ पे देखिए ये हाथी आ गया है। ये देखिए मैं आपको बोलता था ना हमेशा कि यहाँ हाथी आता है। ये देखिए हमारी, मैं अपनी छत पे खड़ा हूँ और यहाँ पे हाथी है। ये देखिए ये देखिए दोस्तों पूरा का पूरा झुंड है, एक हाथी नहीं है बहुत सारे हाथी हैं। ये देखिए पूरा झुंड हाथियों का, इतना बड़ा झुंड, ओ माय गॉड, काउंट करो काउंट करो काउंट करो कितने हाथी हैं। ये हमारे फेंसिंग को तोड़ सकते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 अरे इधर लाओ ना, 4 और इधर लाए, इधर लाए 5 और इधर लाए 5, तो दोस्तों ये देखा आपने 6, ओ माय गॉड 7 और भी गए होंगे। चलो 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 चलो, ये देखिए पूरा हाथियों का झुंड आपको यहाँ पे एरावत के ऊपर छत पर से देखने को मिल रहा है। ये बहुत बड़ा झुंड है जो यहाँ पे आ रखा है, और सीरियसली मज़ा आ गया, इतना सारे हाथी, बस डर ये है कि हमारी फेंसिंग के पास ना आ जाएं। ये देखिए कितने सारे हाथी हैं, ये देखिए ये भाग रहा है, ये इस जगह पे, यहाँ पे देखिए ये हाथी, यहाँ पे जितने भी बैम्बू के पेड़ है, ये देखिए ये बैम्बू के पेड़ को तोड़, ये रहा ये हाथी, टस्कर है बहुत बड़ा। और इधर भी मारो, इधर राइट साइड पे मारो, इस झाड़ियों के अंदर, ये और इधर और इधर और इधर, ये देखिए इधर इधर थोड़ा सा, ये देखिए ये इसके अंदर भी ये हाथी है। ये देखिए दो तो यहाँ से दिख रहे हैं, एक तो टस्कर है बहुत बड़ा, ये अब ये बैम्बू खा रहे हैं यहाँ पे। तो आज तो मज़ा ही आ गया, आज छत से बैठकर जो चीज़ नहीं देखी थी आज वो एलिफेंट भी दिख गया, इतना बड़ा ग्रुप एरावत की छत से। और टाइगर और लेपर्ड तो मैंने वीडियो डाली रखी है, और देखिए मज़ा आ गया। और अभी हुआ क्या है, थोड़ी देर पहले हम लोग पूरा जंगल घूम कर आए हैं, हमें सिर्फ हिरन निकात दिखे ही गिने, तो इतने सारे हाथी एरावत के ठीक साथ में घूम रहे हैं। मैं बोलता था ना आप लोगों को कि मानसून में बहुत अच्छी साइटिंग होती है, ये देखिए जो आप ढिकाला में देखते हैं वो मेरी छत पे बैठ के देखिए। करो और करो, इधर बैम्बू है वो है वो, ये हाँ ये देखिए ये देखिए, एक ये भी है, एरावत है ये भी। तो आज आपको यहाँ एरावत की छत से हाथी देखिए आज आप। उसके सामने तो ऐसा लग रहा है लेपर्ड खड़ा है, क्या है? नहीं लेपर्ड नहीं है, हाथी ही थे खूब सारे। ना वो क्या है सामने उसके? जो लाइट आंखें चमक रही हैं वहाँ, उधर भी हाथी हैं, बच्चे हैं खूब सारे हाथी के, और लेपर्ड होता तो भाग चुका होता हाथी को देखकर। क्या ऐसा लग रहा है कुछ है वहाँ पर, लेपर्ड की तरह लग रहा है ये? नहीं लेपर्ड नहीं है, लेपर्ड होगा तो हाथी के पास ऐसे खड़ा रहेगा। हाथी बहुत सारे हैं, मैंने दो हाथी इधर जाते हुए देखे हैं अभी। ये देखिए दोस्तों, तो एक ये है, मैंने कहा ना ये देखिए एक ये है, ये देखिए एक हाथी ये है, ये देखिए ये चला।
एक ही है मैंने कहा ना, ये देखिए एक एक ये है, ये देखिए एक हाथी ये है, ये देखिए तो देखिए कितने सारे हाथी हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यही वो जगह है, ये जस्ट हमारे, मैं अभी एरावत के टेरेस पे हूँ और अभी अभी जो हाथियों का ग्रुप आया था, पूरा हर्ड आया था, वो यहाँ पे आया था। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे पूरा हाथियों का हर्ड था, अब तो खैर भगा दिया है टॉर्च मार के, और जो गांधी बंदूक से फायरिंग करते हैं उसकी नौबत भी नहीं आई है। और आजकल क्योंकि मानसून के अंदर यहाँ पे साइटिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है, अल्टीमेट जिसको कहते हैं वो साइटिंग हो रही है यहाँ पे, जो कि मैंने अपने पुरानी वीडियोस में भी बताया है आप लोगों को। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, 5-6 दिन पहले एक क्लाइंट आए थे, एक फैमिली आई थी, उनको जस्ट मेरे गेट पे, देखिए मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ये मेरा गेट है, ये मेरा गेट है, ये गेट, और उन लोगों को गेट के जस्ट यहाँ पे, इस जगह पे जहाँ मैं अभी लाइट मार रहा हूँ, ये देखिए नीचे लॉन है पूरा, ये गेट है, और यहाँ पे इस जगह पे उनको टाइगर साइटिंग हुई है। तो जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि आजकल मानसून में क्या होता है, नीचे ये सारा ग्रासलैंड है सीतापनी का, तो उसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा बारिश होने की वजह से वहाँ पानी भर जा रहा है, जब पानी भर जाता है ग्रासलैंड में तो ज़्यादातर जानवर थोड़े ऊंचाई की तरफ भागते हैं, हाई एलिवेशन की तरफ। तो जो मेरी ये प्रॉपर्टी है ये जस्ट ग्रासलैंड के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर बनी हुई है फॉरेस्ट के बीच में, तो जितने भी साइटिंग मानसून में होती है इसी वजह से होती है। तो अभी जैसे हाथी दिखे, पहले मुझे लगा एक हाथी है, फिर जब टॉर्च दोबारा मारा तो 7 हाथी काउंट किए, उसके बाद 3 हाथी और उधर से आए, उस साइड से आए, तो टोटल 10 हाथी थे जो आज हमने देखे हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था, जुलाई के मंथ में ही मेरी प्रॉपर्टी उस टाइम पे बनी थी। आइए मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ, ये देखिए जब प्रॉपर्टी बन रही थी तो ये जो मंदिर है, ये देखिए मंदिर है, मंदिर के बैक पे ये लाइट है, जस्ट ये जो बाउंड्री है, ये पत्थर की बाउंड्री, इसके बैक साइड पे ये बाउंड्री को आके हाथी तोड़ गया था, और उसके बाद उसको मैंने दोबारा से रिपेयर कराया था। तो उस टाइम पे एक हाथी आया था, टस्कर आया था, उसके जस्ट 15-20 दिन बाद 3 हाथी आए थे, वो पूरे इन खेतों में इन सब से सब जगह पे चल के गए थे, और आज देखिए ढिकारा वाली फीलिंग आ गई, 10 हाथी वो भी छत पे बैठ के ऐसे। तो ये हैं अरावत के मज़े। ठीक है दोस्तों, बहुत अभी रात हो गई है, अब मेरे भी सोने का टाइम हो गया, मैं बैठा हुआ था क्योंकि 5-6 दिन पहले किसी ने टाइगर देखा था, तो मैं सोचा था टाइगर दिखेगा, और टाइगर के चक्कर में मुझे हाथी दिख गया। चलिए ठीक है फिर, ओके बाय, गुड नाइट।